हाय दोस्तों, कैसे हैं? एक है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कंपनी कम्युनिकेशन लिमिटेड की कंपनी HFCL के नाम से जाना जाता है ये, और ये टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है। रिसेंटली इसे एक बहुत अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, 540-542 करोड़ का ऑर्डर मिला है इसे, 502 करोड़ का, जिसके चलते ये अच्छा खासा जम कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। और आज देखें, आज 11 जनवरी को ये 2470 पे अपने 6% गेन के साथ क्लोज किया है। वॉल्यूम देखें तो 1,33,00,000 के साथ वॉल्यूम के साथ काम कर रहा है ये। और रिसेंटली देखें 5 डेज के एवरेज से तो 65 लाख थे, 39 लाख इतने का वॉल्यूम है। सेंटिमेंट देखें तो 74% की बाइंग है। और अगर ये देखें डिलीवरी परसेंटेज 36%, 39%, 41%, 49%, तो अच्छा है। बुक वैल्यू 2.71% का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, मार्केट कैप 3,000 करोड़ की है। और अगर और देखें यहाँ पे तो क्या न्यूज़ था, ये था HFCL गेंस नियरली 6% ऑन ऑर्डर्स विन वर्थ ₹502 करोड़। तो इसको L&T से आप देखेंगे, L&T से इसको यहाँ पे L&T से 147 करोड़ का मिला है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए, जो कि इसको मई 2019 तक कंप्लीट करना है। दूसरा एक ITI लेड कंसोर्टियम से मिला हुआ है, एकेंसेट टेक से मिला है 355 करोड़ का, जिसको अक्टूबर बाय अक्टूबर 2019 तक इसको कंप्लीट करना है। तो आप समझिए कि जिसकी 3,000 की मार्केट कैप हो, जिसका मार्केट कैप सिर्फ हो 3,000, और 3,000 में 502 करोड़ का उसको ऑर्डर मिला हो, तो अच्छी कंपनी होगी। इसका 52 वीक हाई 36 है, लो है 17 का। अपने ये पी रेशियो जो है 15 पे काम कर रही है, बुक वैल्यू 10 का है तो 2.24 टाइम्स हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 312 करोड़ का है, EPS 1.5 है, प्राइस टू कैश फ्लो 15 टाइम्स है, इंटरेस्ट इसके पास 430 करोड़ का डेब्ट है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.18 है, अच्छा 5 टाइम्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.86 है, ये भी अच्छा है। तो सारा अच्छा ही है तो खराब क्या है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम आप देखेंगे ये क्या करती है। द कंपनी एक्टिविटी स्पेन अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो ऑप्टिकल केबल फाइबर जो टेली कम्युनिकेशन में बनता है ना, जिससे तार बिजती है और उसके बाद आप कंपनियां का टेली कम्युनिकेशन मतलब कि फोन वगैरह का सर्किट जो चलता है काम होता है उसका काम करती है। और ये जो अब दोनों ऑर्डर मिला है ना, ये भारत फेज नेट 2 से मिला है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए मिला है, तो वही काम करती है। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है शेयर होल्डिंग परसेंटेज। यहाँ देखेंगे तो FI में सितंबर जून के वर्सेस सितंबर में देखेंगे तो FI ने भी 2% से अपना कम किया है, और म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ा कम किया है। प्रमोटर होल्डिंग 38.3% है, सबसे ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग पर 3.92% है पब्लिक शेयर होल्डर में। यहाँ हेल्ड 94 FI जो है इसमें लिए हुए हैं, म्यूचुअल फंड हेल्ड इन 15 स्कीम। ये देखिए 60.92% जो है ना ये गिरवी रखा हुआ है, यही एक सबसे बड़ा तकलीफ लगा हमें। इसके पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो एक्सपेंशन के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए इन्होंने अपने शेयर को गिरवी रखा है। अगर चार्ट की बात कहें तो चार्ट पे देखेंगे ये सारे मूविंग एवरेजेस को अभी तोड़ के कंटिन्यू देखिए कब ट्रेंड दे रहा है। यहां से 10-12 से ये कंटिन्यू एक मूविंग ट्रेंड को चालू कर रहा है, और 17 रुपये पे था ये, और 10 से लेकर के आज देखेंगे 10-12 से लेकर के अभी, ये वीकली है तो आपको डेली देखना है तो आप डेली देख लीजिए एक बार, आप देखेंगे यहाँ से तो एक कंटिन्यू ये यहाँ पे था 10-12 को, उसके बाद देखिए कैसे अप ट्रेंड लिया, फिर यहाँ पे यहाँ पे 21 रुपये के पास पास स्टे किया और कंटिन्यू 2 दिन में अप ट्रेंड किया। तो अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे एक बार देखूँ, इसको वीकली चार्ट पे एक बार देखता हूँ तो इस 36 रुपये के एक यहाँ पे बार बार क्या होता है ये कि 36 रुपये के पास जब जाता है तो 36 रुपये के पास इसको रेसिस्टेंस मिलता है, और बार बार ये 36 रुपये से फॉल दिखाता है। 36 रुपये पे किसका बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, वहीं पे जाता है तो एक बार 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 फॉल दिखाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार
वो एक बार वापस इस बार 32 आपको 30 32 दिखाएगा। और यहाँ 30 32 दिखाने में इसको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं इसके एक बार यहाँ पे आपके वो देखिए बोलिंगर बैंड से अपर डिवीजन को भी ऊपर क्रॉस कर रहा है, ये ऊपर क्रॉस करते हुए काम कर रहा है, तो एक अच्छा शेयर है फ्यूचर के लिए और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कोई भी चाहे तो ये अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक पेनी स्टॉक टाइप में आप समझिए, ये है बहुत बड़ा ये नहीं है, पेनी स्टॉक के रूप में ये काम करता है। तो आप चाहें तो इसको रखें अपने पोर्टफोलियो में, ये एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। और जहाँ तक रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में 17%, 1 मंथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे 32%, YTD 16%, और 1 ईयर में थोड़ा निगेटिव है, और 3 ईयर में 3%, 5 ईयर में 167%, 10 ईयर में 164% का रिटर्न दे चुका है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कंपनी अगर आप होल्ड करते हैं तो ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक की तरह इसको होल्ड करें। लेकिन अगर इसका ये अगर जो इसने गिरवी जो रखा 60.92%, अगर इस पे एक्शन करता है और ये आपको गिरते हुए दिखता है तो ये कंपनी आपको 150-200 रुपए के भाव को भी दिखा सकता है। पेनी स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में काम कर सकता है, कंडीशन एक ही है। आप ये समझिए ना खाली इसको, आप ये समझिए कि इसको 500 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है जिसकी मार्केट कैप 2800-3000 करोड़ का है। छोटी सी कंपनी है और उसको 500 करोड़ का तो ऑर्डर मिल जाता है, तो अच्छी कंपनी है, हिमाचल की है ये, स्टेट बेस्ड कंपनी है। चलिए देखते हैं कैसा करता है परफॉर्म। बाकी आपको जो भी पोजीशन बनानी हो आप अपने एडवाइजर से जान के सुन के फिर ही, मेरे कहने पे सिर्फ पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो एक बार लगता है कि 36 का भाव आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये हो सकता है, इसको बार बार 32 पे जाकर के एक रेसिस्टेंस मिलता है, तो 32-36 का भाव आप देख सकते हैं इस पे लॉन्ग टर्म के लिए। ये शायद अगर यहाँ पे काम करता है, गिरवी वाला शेयर में काम करता है, दिखता है आपको, तो आप इसको बाय कर लीजिए। ये आपको 100-150 रुपये का भाव भी दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं बोलूँगा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही अब बनाए बिड को भी पोजिशन मार्केट में। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था और पेपर ट्रेडिंग के लिए था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता हो तो शेयर